ਪੱਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ हिमाचल प्रदेश में मल्टी टास्क वर्कर की भर्तियां की जा रही है। इसी के तहत नालागढ़ पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा मल्टी टास्क वर्कर रखने की प्रक्रिया भी शुरू हुई है। पूरे बीवीएन क्षेत्र में तकरीबन 1700 उम्मीदवार ने फॉर्म भरा है। इन 1700 उम्मीदवारों में से 142 उम्मीदवार ही भर्ती किए जाएंगे। इन उम्मीदवारों के फिजिकल टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं, जिसमें मेल उम्मीदवार को 50 किलो सीमेंट की बोरी उठाकर तकरीबन 50 मीटर दूरी 60 सेकंड में तय करनी है और फीमेल उम्मीदवार को 25 किलो सीमेंट की बोरी उठानी पड़ेगी। जानकारी के मुताबिक बेरोजगारी के चलते ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे भी मजदूरीवश मल्टी टास्क वर्कर के लिए अपना फॉर्म भर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि यहाँ क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उम्मीदवार 8वीं पास होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएट बच्चों द्वारा मल्टी टास्क वर्कर के लिए अप्लाई करना ये दर्शाता है कि देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है और प्रदेश सरकार पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी देने में असमर्थ नजर आ रही है। हाँ जी सर, मास्टिक टास्क वर्कर की चल रही है, आल हिमाचल में चल रही है, तो हम डेली 100-200 बंदा निकाल रहे हैं। 1700 कुछ एप्लीकेशन आई हुई हमारे पास, हम डेली 200-250 एज पर गवर्नमेंट की जैसे इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक निकाल रहे हैं। इनका हम जो गवर्नमेंट के आदेश है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करते हैं जी पहले, फिर उसके बाद ये फिजिकल टेस्ट लेते हैं। फिजिकल में मतलब सीमेंट की बोरी? हाँ जी। अच्छा, वो लेडीज के लिए 25 किलो की है, तो जेंट्स के लिए 50 किलो। हाँ जी। के लिए प्रदेश के लिए ये बहुत शर्मसार करने वाली चीज़ है कि हमारे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार युवा इतने त्रस्त हो चुके हैं इस सरकार की नीतियों से कि वह एक मल्टी टास्क की पोस्ट के लिए 1700 व्यक्तियों ने बीवीएन में अपनी वो भरा है, टेस्ट के लिए भरा है, जिसमें से 142 व्यक्ति ही उसमें रखे जाने हैं। इससे हमारे प्रदेश में, हमारे बीवीएन में बेरोजगारी के स्तर का पता चलता है। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे जो यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं उसमें सबसे पहले तो जो शर्मसार करने वाली चीज़ें थी, फिजिकल टेस्ट करने के लिए इन्होंने रखा है कि 50 किलो की बोरी उठा करके आप भागेंगे और अपने 50 या 60 सेकंड जो टाइम दिया है उसमें अगर भागते हैं तो आपको 2 नंबर दिए जाने हैं। परंतु बात यह है कि कोई हर जो युवा वहां पे भाग रहे हैं, हमने देखा प्रत्यक्ष रूप से भी, वो 15 या 20 सेकंड में वो भाग के पूरे कर लेते हैं, जिसकी वजह से सबके 2-2 नंबर लग रहे हैं। उसमें फिजिकल फिटनेस भी प्रॉपरली जांची नहीं जा रही है। और उसके बाद महिलाओं के लिए जो 25 किलो की बोरी उठा करके भगाया जा रहा है, ये देश की जो हालात है, देश में जो बेरोजगारी का स्तर है वो इतना निम्न हो चुका है, बेरोजगारी इतने लेवल पर पहुंच चुकी है कि हमारे जो लोग हैं वो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी वो सड़कों पर बोरी उठाने के लिए तैयार हैं। और बीटेक लड़के मैंने देखा बोरियाँ उठा के भाग रहे हैं, जिनकी जो क्वालिफिकेशन है वो जेई एसडीओ लेवल की है, वो भी वहाँ पे एक मल्टी टास्क वर्कर, और तनख्वाह कितनी मिलनी है उनको 4400 रुपया। तो यही हमारे जो प्रदेश और देश की जो सरकारों की नीति है, मैं इसकी कड़े शब्दों में आलोचना करता हूँ और कहता हूँ कि हमारे युवाओं को रोजगार देना ही होगा, तभी देश की तरक्की हो सकती है। और इसी रूप में आप पहले देखें, ये भाजपा की सरकार ही थी जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम बंद की, अब इन्होंने नई पॉलिसी लेकर के आए अग्निपथ। एक आर्मी ऐसी रह गई थी जिसमें हमारे युवाओं को पेंशन स्कीम मिलती थी, इन्होंने उसमें भी अब ओल्ड लगा करके नई अग्निपथ स्कीम लगा करके तो उसमें भी इन्होंने पेंशन खत्म करने का कार्य कर दिया है। ये प्रदेश और देश की नीतियां बहुत ही गलत तरीके से चलाई जा रही हैं। मेरा तो सभी अपने युवा साथियों को, बेरोजगार भाइयों को यही अनुरोध है कि एकत्र होकर के इस मौजूदा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ें, ताकि जो हमारे साथ ये अनदेखी व अन्याय हो रहा है उसका हम सामना कर सकें। बाकी जो हमारे बीजेपी के मित्र जो अशोका चक्र पर शेर की चित्र को बदलकर वो बताते हैं कि अब हमारा शेर दहाड़ रहा है, हमारा शेर दहाड़ नहीं रहा,
बेरोजगारी और गरीबी की वजह से वो चिंगाड़ रहा है देश का नौजवान। ये भाजपा ही हमारे दोस्त इस चीजों का भी फायदा उठाना चाहते हैं। चित्र बदल दिया हमने जी, वो कर दिया। ये ड्रामे अब देश का युवा नहीं सहन करेगा। इन ड्रामों से देश उब चुका है। देश को रोजगार चाहिए, देश को लोग, युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, देश के युवाओं को कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज चाहिए जिससे कि उनकी डेवलपमेंट हो सके। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नालागढ़ से अजय रतन की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।